स्वागत है गेम ऑनलाइन चैनल में। तो भाई यार आज हम उतरे हैं थर्ड हिल पर। ओ भैया खेल रहे हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड। ओ भैया थर्ड हिल पर बंदों के नाम पर काफ़ी सारे बंदे आते हैं और यहाँ पर लगभग मेरा आधा मैच निकल जाएगा और मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला, तबाही पूरी देखने को मिलेगी। अब फिलहाल उतरती मिल जाती है डीपी और डीपी मिल गई तो समझ लो पूरी लूट हो चुकी है, मतलब एक गन मिल जाए। और यहाँ पर तो एक और मिल गई तो मतलब लूट की कमी नहीं है हमारे पास, लेवल 3 का बैग। और यहाँ पर मैं लूट वूट करके आराम से रिलोड कर रहा था डीपी को और इतने में भैया बंदा आ जाता है। तो देखो यार तो इन भाई सबको तो नॉक फिनिश दोनों कर देते हैं और इतने में इनका बंदा बदला लेना चाहता है यार। अरे चचा कहाँ जा रहे हो, मतलब इतना काहे को थका रहे हो। अब फिलहाल इस बंदे को भी नॉक फिनिश दोनों कर देते हैं और सामने से भैया गोलियों की आवाज आ रही है तो इन बंदों को तो देखना पड़ेगा, देखना नहीं लपेटना पड़ेगा। तो देखो और बस मजे लो। अब ध्यान से नीले वाले घर में देखना ऊपर की तरफ। अब मैंने सामने वाले बंदे को नॉक किया था, इतने में साइड से गोलियां पड़ी स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहां पर एक ही बंदा गोलियां चला रहा था तो इसका मतलब ये मत समझना एक ही बंदा है, नहीं नहीं भैया जाके पता चलता दो बंदे होते हैं। तो कोई बात नहीं आराम से लपेटेंगे, बिल्कुल आराम से। तो देखो यार तो इन बंदों को तो मैं इजीली निपटा देता हूँ, लेकिन साइड से गोलियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको मैं बता दूं ये वही बंदा है जो मैंने नीले वाले घर में सामने की तरफ नॉक किया था, मिस्टर टाइगर। अब आपने ध्यान दिया होगा इसके नंबर तो समझ गए होगे, हाँ वही बंदा है भैया, मुझे पता है ठीक है। लेकिन यार मैं इसको फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि साइड से गोलियां पड़नी थी। लेकिन अब भैया बंदा यहां पर रश करने की कोशिश कर रहा था, मैं थोड़ी देर रुकता हूं लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। और अब देखना, अब मुझे लगता है वो बंदा पड़ोस के घर में चला गया होगा कुछ उधार पानी ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता यार यहाँ पर। और सामने की तरफ गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उधर ही चलते हैं यार। तो इन भाई सबको तो भाई आराम से फिनिश कर देते हैं, लेकिन इससे भी अब यहाँ पर भैया नाम पढ़ लो दोबारा, मिस्टर टाइगर है जिसको मैंने नॉक कर छोड़ दिया था, भैया पनौती है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं सही टाइम पर रिवाइव हो जाता हूँ। हाँ भले से मेरे हत्ते ये किल नहीं चढ़ा, लेकिन भैया डैमेज पूरा था। सामने वाले घर में मतलब ऊपर जो दिख रहा है ठीक है, सामने वो नीला वाला घर अभी नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा। पहले यहाँ से स्कारल उठाते हैं, गोलियां वोलियां हैंगी हमारे पास और 4x अपने बंदे से उधार लेते हैं। अब देखना ध्यान से, हाँ हाँ बिल्कुल सही भैया, बंदा दिख गया होगा, 4x से दिखाया है, काहे नहीं दिखेगा भैया। अब यहाँ पर भैया मिनी मैप में देख लेना अभी थोड़ी देर में, और साइड में लाइफ देख लो 33, मतलब आधा मैच यहाँ पर निकल चुका है। तो अब देखो अब मैं यहाँ पर मिनी मैप में कार दिखाने के लिए ही कह रहा था, अब देखना। अब भैया इन बंदों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था कि कब आती है कार, और भैया पता ही नहीं चलता कह रहा, क्योंकि हमारा ध्यान था बिल्कुल नीले वाले घर पर, मतलब समझ रहे हो ना पूरा फोकस ये नीला वाले घर पर ही था। और यहाँ पर मैं यह मैं आगे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर ध्यान से देखना, ना ना ये वो बंदा नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, नहीं ये वो नहीं है भैया, लेकिन मैं यही समझता हूँ जब मैं मैच में होता हूँ ठीक है, तो यही गलती कर देता हूँ शायद। अब मैं यहाँ से आराम से लूट कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि बंदा फिनिश हो चुका है नीले वाले घर का, लेकिन ऊपर देखना।
और यहाँ पर मैं फिर से जल्दबाजी कर देता हूँ क्योंकि मेरा बंदा कहता है भाई तू ही जा, मैं रिवाइव कर दूंगा बाद में। मैं कहा चल भाई चलते क्या जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से रिवाइव भी हो जाते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा जल्दबाजी कर दी थी। और भैया कैंप पर तक कत ये वाला बंदा देख रहे हो ना, मतलब हिला नहीं वहाँ से, क्योंकि दो बंदों के फुट स्टेप आ गए होंगे तो इसकी समझ रहे हो ना फट गई होगी बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, अब दो यहाँ पर बोट आ जाती है तो इनको भी निपटा देते हैं। और देख लो भैया थर्ड हिल पर आधे से ज़्यादा मैच निकल चुका है। अब इस शॉट को ध्यान से सुनना। ओ भाई साहब, मतलब बंदा भैया AWM चला रहा है, मतलब मार के छोड़ेगा क्या। खैर कोई बात नहीं, अब सामने की तरफ बंदा था क्योंकि भैया लोकेशन दे दी थी, तो ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुंडी पर ही देगा एक गोली और फोड़ देगा। अब मैं यहाँ पर सोच रहा था कि भाई कार से चलेंगे और बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, मतलब इतू सा भी। यहाँ पर स्मोक करता हूँ और अपनी कार को लेता हूँ और भाई रस पे लेंगे, ठीक है, वो भी जिंदा वाला, अंधा वाला नहीं, अंधा वाला नहीं, आराम से मारेंगे बंदे को। तो देखो यार, पहले मैं यहाँ पर बंदे चेक करता हूँ कितने, यहाँ पर एक ही बंदा होता है और यहाँ पर मुझे इतने मजे का एंगल मिलने वाला है। अब यहाँ पर तुम पिंक के नशे देख सकते हो, मतलब यार बंदे को एंड तक डैमेज जाता है। खैर कोई बात नहीं, नॉक कर देते हैं इजीली और फिनिश भी करेंगे यार। अब इस बंदे से AWM तो मैं छीन लेता हूँ, मतलब छीन नहीं लेता हूँ भैया, आराम से ले लेता हूँ। अब यहाँ से निकलने का वक्त था और कार में फ्यूल देख लो भैया, और यही फ्यूल शायद धोखा दे दे, शायद नहीं, आगे देखना तुमको खुद पता चल जाएगा। और AWM से तो कद्दू कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सेंसिटिविटी कद्दू हो चुकी है, मतलब कद्दू नहीं बिगड़ चुकी है पूरी। लेकिन आगन टेढ़ा अभी नहीं बताते हैं, पहले तुम देख लो। अब यहाँ पर मैं ड्रॉप की तरफ आता हूँ और देखता हूँ कोई बंदा तो नहीं है, और यहाँ पर बग्गी खड़ी थी। अब मैं लौट कर दोबारा आता हूँ और यहाँ पर हमारा तेल खत्म हो जाता है और यही पनौती वाला सीन हो जाता है। तो भैया एक बार और सुन लो, एटैक्स की सेंसिटिविटी बिल्कुल ख़राब है। अब यहाँ पर फ्यूल गलत जगह पर ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ओपन में होता है और ऊपर पूरा स्क्वाड बैठा है, तो यार एक बेनिफिट ये है उन्हें, वो ऊपर की तरफ है और हम इजीली दिख रहे होंगे उनको। और जैसे कि मैंने आपको बताया एटैक्स ख़राब है यार हमारा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरा डैमेज कर दिया था बंदे ने और आराम से हिल विल करेंगे और कोशिश करेंगे मारने की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो बंदों को तो नॉक कर चुका था और सामने की तरफ एक बंदा था, तुमने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो क्या करोगे यार अब देखकर। अब यहाँ पर मैं अपने बंदे को भैया रिवाइव करने जा ही रहा था। भैया स्प्रे देने लगते हैं यार बंदे, और मेरे बंदे ने भी सामने की तरफ एक बंदा नॉक कर रखा है, बिल्कुल पड़ोस में सामने ही है यार, तो वो शायद लोकेशन बता रहा होगा। और यहाँ पर मैं एक ही बंदा समझ रहा था अब इनका, लेकिन दो बंदे होते हैं यार। अब मैं इधर वाले बंदे को लपेटने जा रहा था और इतने में ही पेटी बन जाती है यार। और यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की थी यार इन्हें मारने की, खैर कोई बात नहीं। अब मैं कुछ आपको हाईलाइट दिखाने वाला हूँ, उनका भी मजा लेना, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हाईलाइट के मजे लो यार। Watch out! Mark the location. Watch out!